सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज का क्लास सेशन होगा अंडरग्राउंड स्टेम। सो लेट अस गो टू दी स्टेम स्टेम, वो भी अंडरग्राउंड। करेक्ट। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम जनरली कितने टाइप के हैं? दिस इज फर्स्ट इज कॉल्ड एज राइजोम, सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्म। थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्यूबर। एंड फोर्थ टाइप इज कॉल्ड एज व्हाट? हेलो एवरीबॉडी, फोर्थ टाइप इज व्हाट? बल्ब। नाउ इफ वी लुक एट द स्टेम अंडरग्राउंड राइजोम, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ राइजोम। राइजोम किस टाइप की है? राइजोम ऑब्वियसली अंडरग्राउंड है तो सारे कलरलेस ही होंगे, फोटोसिंथेटिक तो है नहीं। सो दे आर कलरलेस। व्हाट दे आर लीफलेस। और उसके साथ सो देर मे बी नोड्स और मे नॉट बी नोड्स, बट मे और मे नॉट बी नोड्स आर देयर। सो दे एक्चुअली दे ग्रोज एज अ हॉराइजेंटली अंडर द सॉयल सर्फेस। सो वी विल राइट ग्रोज horizontally under soil surface। example ले तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप की है। अगर हम एक imaginary drawing करते, this is the soil, this is soil, और इसके अंडर में ये horizontally इस तरह का grow करेंगे, इस टाइप का ग्रो करेंगे हॉराइजेंटली। ठीक है। सो एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जिंजर। जिंजर का बॉटनिकल नेम क्या है? जेनस है जिंजीबर। ठीक है, जिंजीबर। सेकेंडली सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज कॉल्ड एज टर्मरिक। सेकेंड एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज टर्मरिक। टर्मरिक जेनस क्या होगा, यानी कि बॉटनिकल नेम? दिस इज कॉल्ड एज करक्यूमा। स्पीसीज बहुत सारे हो सकते हैं। सो जिंजीबर एंड करक्यूमा, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द राइजोम। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर कॉर्म। कॉर्म में डिफरेंसेस क्या है? कॉर्म जनरली ये सारे आपके कलरलेस है, लीफलेस है, कलरलेस, लीफलेस, बट द ओनली थिंग डिफरेंस इज देयर ग्रोज वर्टिकली। ठीक है,
दे ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल. सो इफ यू लुक एट दिस, दिस इज द सॉइल स्ट्रक्चर एंड दे ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल. मैं एक कुछ भी इमेज में बना दिया लोग आपको समझाने के लिए, इस टाइप की ये ग्रो करेंगे. अगर इस टाइप की पिक्चर देखे तो एग्जाम्पल हमारा दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले कॉर्न में आएगा कोलोकेशिया. कोलोकेशिया इसका मतलब है कद्दू. सेकेंड एग्जाम्पल इसको कहते हैं जमीन कंद. जमीन कंद ठीक है, ये आएगा आपका. एक और एग्जाम्पल आते हैं, इसको कहते हैं क्रोकस और सैफ्रॉन. याद रखना सैफ्रॉन का जो रूट होता है वो कॉर्न टाइप का होता है, ये इस जेनस है इसकी क्रोकस. करेक्ट. नेक्स्ट वी विल टेक एग्जाम्पल एज द ट्यूबर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्यूबर. तो आपने देखो टैप रूट सिस्टम में हमने ट्यूबरस पढ़ा. टैप रूट सिस्टम का ट्यूबरस है कौन सा है टैप रूट सिस्टम का ट्यूबर का एग्जाम्पल. टैप रूट सिस्टम ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन बोलेगा? टैप रूट सिस्टम ट्यूबरस का एग्जाम्पल नहीं बोल पाओगे? मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट. और एडवेंटिशियस रूट का ट्यूबरस का एग्जाम्पल स्वीट पोटेटो. उसी तरह अंडरग्राउंड स्टेम का ट्यूबर का एग्जाम्पल, इसको और आगे बोलने की जरूरत नहीं है. दिस इज एग्जाम्पल इज पोटैटो. द नोड्स आर कॉल्ड आई ऑफ द पोटैटो. आई कहते हैं इसको. ठीक. दीज आर बेसिकली आप नोड्स भी कहो, ये दिस इज अ बड्स भी कह सकते हो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी बड. ऑल्सो कॉल्ड कौन आया? ओके खेत्रे. हाय खेत्रे, इतना देरी क्यों करते हो? हाँ क्लास शुरू हो जाता है इसके बाद इतना आते हो. अच्छा आई, आई इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सिलरी बड. याद रखना पोटैटोस का जो आई होते हैं उसको वो एक्सिलरी बड होते हैं, जबकि ये नोड्स टाइप में आते हैं. ये ओके नोड्स टाइप में आते हैं. इसमें आपका इन इन तीनों में एक सिमिलरिटीज है. लीफलेस तो मैंने बताया, राइजोम की कंडीशन में भी लीफलेस, कॉर्न की कंडीशन में भी लीफलेस. लेकिन इसमें एक चीज एडेड अप करना, कैली लीव, ये लीफ का ही टाइप है. लेकिन जो लीफ हम जमीन के ऊपर देखते हैं वो लीफ तो प्रेजेंट नहीं है, केली लीव्स आर प्रेजेंट. अगर आप जिंजर के ऊपर भी देखोगे देर इज अ ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर का एक लीफी स्ट्रक्चर होते हैं कवर. कॉर्न की कंडीशन में भी आपका केली लीव्स होगा. और पोटेटो के ऊपर में भी जो कवर रहते हैं जिसको हम छिलका कहते हैं हिंदी में और उसको उतार फेंकते हैं, वो इसका टाइप ऑफ केली लीव. दिस इज बेसिकली स्केली लीव. तो स्केली लीव इसमें प्रेजेंट है, लेकिन हालांकि ग्रीन लीव नहीं है, स्केली लीव प्रेजेंट है. रूट बात ही नहीं है, इसमें
इसमें रूट नहीं है, इसलिए एक एक करके बात करें। देर इज नो रूट्स, इन दोनों में नो रूट्स। कॉर्न में यस एडवेंटिशियस रूट्स आर देयर, एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट, यस ये प्रेजेंट है। और राइजोम के कंडीशंस में ये एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट एट द बैसल पोजिशन, ओनली एट बैसल पोजिशन। और इस कंडीशन में ये भी एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट शॉर्ट में लिख दिया एडवेंट रूट, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट बट थ्रू आउट द बॉडी। ऑल ओवर बॉडी। तो डिफरेंसेस को देखो, राइजोम में रूट जो प्रेजेंट है वो ऑल ओवर द बॉडी, एडवेंटिशियस रूट। कॉर्म में एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट है ओनली एट द बैसल। ट्यूबर में देयर इज नो रूट, कोई भी रूट ट्यूबर में नहीं है, ठीक है। ये एक बार और क्लियर कर लो, नोड्स जो है वो आई है और ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो एक्सिलरी बड्स है इट डेवलप्स फ्रॉम द नोड्स, इट डेवलप्स फ्रॉम द नोड्स, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि नोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज आई, अलग से तो इसकी कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होते, तो नोड्स में ही एक्सिलरी बड रहते हैं, ये बात है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, द लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि बल्ब। नाउ बल्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि द स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड, स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है, स्टेम पूरी तरह रिड्यूस्ड है। तो फिर इसका ये जो हम देखते हैं पार्ट में वो क्या है? नाउ इट कंटेन्स द फ्लैशी लिब्स, का मतलब क्या है? फ्लेशी लिप्स का मतलब है लिब्स स्टोर फूड्स, सो दिस इज द फ्लेशी लिप। दूसरी बात है, नोड्स एंड इंटर नोड्स आर नॉट विजिबल, नोड्स एंड इंटर नोड्स आर नॉट विजिबल। ओके, नाउ यस, अब आते हैं रूट के बारे में। रूट्स तो है, रूट्स प्रेजेंट, लेकिन कहां है? कहां है? एट बैसल पोजिशन, एट बैसल पोजिशन। और वो भी रूट किस तरह का है? रूट किस तरह का है? फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट प्रेजेंट, ठीक है। सो ये था बल्ब का। अब बल्ब जो है ये दो टाइप के है, बल्ब इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स, नंबर वन इसको कहते हैं इम्ब्रिकेट, क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट, इमली का इम, ठीक है, इमली का इम, ब्रैकेट का ब्रिकेट, सो इम्ब्रिकेट। और दूसरा किस टाइप की है? दूसरा है
ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट, ट्यून का ट्यूनी, ठीक है, ट्यून का टून भी कह सकते हो, और इकेट, सो दिस इज ट्यून इकेट, इट इज इम्ब्रिकेट. नाउ व्हाट इज दिस इम्ब्रिकेट टाइप? दिस इज ड्राई कैली लिब्स, दिस इज ड्राई कैली लिब्स. ये पूरी तरह ड्राई है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में ये ड्राई तो है, ड्राई एंड वेट मिक्स्ड, ड्राई एंड वेट मिक्स्ड, लेकिन इस लेयर को, इसको कहते हैं ट्यूनिका, द लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका. क्या कहते हैं इस लेयर को? इस लेयर को कहते हैं ट्यूनिका लेयर, कहते हैं इसको. क्लियर, क्लियर हो रहा है ना? ट्यूनिका. अब चलिए इसकी एग्जाम्पल की तरफ सोचते हैं. व्हाट इज द एग्जाम्पल? इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल. इम्ब्रिकेट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताओ तो? हेलो, इम्ब्रिकेट गार्लिक. इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है गार्लिक. गार्लिक का मतलब लहसुन. और ट्यूनिकेट का एग्जाम्पल है ऑनियन, ठीक है. गार्लिक में क्या होता है? गार्लिक में एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को कहते हैं बल्बलेट. गार्लिक कंटेन्स बल्बलेट एंड बल्बलेट कंटेन्स फूड स्टोरेज. गार्लिक के कंडीशन में आप ये देखो, इसकी अगर हम पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, दिस इज द रिड्यूस स्टेम. ये इसका स्टेम है. मैं इसको डार्क कर देता हूं तो आपको मार्किंग करने में आसान होगा. अब इसके ऊपर में हम लोग एक लेयर चढ़ाएंगे, इसका इम्ब्रिकेट का लेयर, ठीक है. ये आपका इम्ब्रिकेट का लेयर होगा. नाउ दिस इज द लेयर ऑफ द इम्ब्रिकेट, ठीक है. ये इम्ब्रिकेट का लेयर है और इसके अंदर में, डू अंडरस्टैंड, इसके अंदर में एक इस टाइप की बल्बलेट होते हैं. So these are the bulblet. ये है bulblet, ठीक है. ये bulblet है. ये blue color का जो है, ये आपका, ये हो गया क्या? ये हो गया imbricate. और ये हो गया इसकी स्टेम, रिड्यूस स्टेम. सो तो ये हमने देख लिया, गार्लिक की स्ट्रक्चर हमने देख लिया. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? गार्लिक का हमने स्ट्रक्चर देखा. अब हम लोग इसकी देखेंगे ऑनियन का. ऑनियन की कंडीशन में क्या है? ऑनियन का भी ये रिड्यूस स्टेम है. दिस इज द रिड्यूस स्टेम ऑफ द ऑनियन. ये थोड़ा सा डार्क कर देते, ये भी रिड्यूस है, लेकिन ये थोड़ा सा गार्लिक से थोड़ा साइज में बड़ा है, राइट.
अब उसके बाद इसकी अगर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर के बात करेंगे, जैसे इसका इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये एक स्केली लीव्स दी आउटसाइड। अब ये देखो ये स्केली लीव्स है, लेकिन ये स्केली लीव्स ड्राई कम ये इस टाइप का है। मैं कोशिश करता हूं, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इस टाइप। इसका मतलब है ये पूरी तरह से ड्राई ही नहीं है और पूरी तरह से स्केली भी नहीं, ये आउटर लीव्स है। ठीक है, सो ये आउटर स्केली लीव्स है, जिसको कहते हैं ट्यूनिक। ये ट्यूनिक का मेम्ब्रेन है, और अंदर में अगर हम देखेंगे इसकी, ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दी इनसाइड, तो इनसाइड में हमें इस टाइप का स्केली लीव्स, इसको फूड स्टोरेज में लीव देखने को मिलेगा। सो दिस इज बेसिक, यहां से आपकी उसकी रूट निकलते हैं, बेस से फाइब्रस टाइप का रूट है, इसका भी फाइब्रस टाइप का रूट है, यहां से निकलते हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर में आपका डिफरेंसेस है, दोनों का स्ट्रक्चर में आपका डिफरेंसेस है। ये इसकी रूट है, दीज आर द स्केली लीव, ये आपकी स्टेम है, रिड्यूस स्टेम, ठीक, ये इसकी रिड्यूस स्टेम है, एंड ये इसका रूट है, फाइन। सो ये था आपकी अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे, इसका नाम है सब एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग आएंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। अब अगर सब एरियल का मतलब क्या है, सब एरियल का मतलब है ना तो ये जमीन के ऊपर है ना ये जमीन के नीचे है, दोनों में से किसी में नहीं है, सब एरियल का मतलब यही होता है। सो सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या क्या टाइप की मॉडिफिकेशन है, पहले मॉडिफिकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है, इसको कहते हैं रनर, दूसरा सब एरियल मॉडिफिकेशन इसको कहते हैं सकर, तीसरा इसकी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है स्टोलोन, चौथा इसको मॉडिफिकेशन इसको कहते हैं ऑफसेट। सो रनर, सकर, स्टोलोन, ऑप्शन, चार टाइप की मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, करेक्ट। अब हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि ये मॉडिफिकेशन किस टाइप की है। लेट अस लुक एट दी फर्स्ट टाइप ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा सीक्वेंसेस को आगे पीछे करेंगे हमारे समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल है रनर। रनर का मतलब क्या है, रनर का मतलब है लॉन्ग एंड थिन इंटरनोड, लॉन्ग एंड थिन इंटरनोड पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, इसमें और क्या क्या होगा, इंटरनोड तो है, ब्रांचेस, दीज आर ब्रांच्ड,
जिसमें ब्रांच होगा। क्लियर हो रहा है? एडवेंटिशियस रूट होगा, बेसिकली दीज आर फाइब्रस रूट्स। सो हम लोग हम जानते हैं कि एडवेंटिशियस रूट, बार बार ये दोनों का डिफरेंसेस मैं आपको एक बार और याद दिला दूं। एडवेंटिशियस रूट तीन टाइप की हो सकते हैं। एक इसमें है कि बेस ऑफ द स्टेम, तो उस बेस ऑफ द स्टेम उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस टाइप का रूट। इसके साथ साथ एडवेंटिशियस रूट लिफी भी हो सकते हैं और नोड से भी निकल सकते हैं, ब्रांचेस नोड्स इस तरह का, जैसे बनियान का एग्जाम्पल है, लीफ में ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है। तो इस कंडीशन में इंटर नोड्स ये जो है बेस ऑफ द स्टेम्स है, तो ये फाइब्रस टाइप का रूट है, फाइब्रस रूट है इसमें। नाउ अगर मान के चलो अगर ये ब्रांचेस ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज लीफ डेवलप्स फ्रॉम नोड्स ऑफ स्टेम अबव द ग्राउंड, ठीक है, लीफ डेवलप्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम अबव द ग्राउंड। नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल? आप नाम सुन के ही पहचान गए होंगे, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज ग्रास, ठीक है, इस डूब ग्रास। ग्रास का भी बहुत सारी क्वालिटी है, ये डूब ग्रास है। जो नॉर्मल ग्रास आप जमीन पे देखिए, एक लंबा नोट की तरह चलता है, डूब ग्रास। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है आपको, ऑक्सालिस, ये भी ग्रास लाइक ही है, ऑक्सालिस। तो ये हो गया इसकी रनर की बात। द नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साकर में। साकर किस टाइप की होते हैं? साकर की हम लोग बात करेंगे तो लेट अस लुक एट दी साकर। साकर में क्या होता है, ये स्टेम जो है अराइजेस फ्रॉम द एक्सिलरी ब्रांच। तो स्टेम्स हैव नोड्स एंड इंटर नोड्स, नोड्स एंड इंटर नोड्स, न्यू स्टेम फ्रॉम इंटर नोड्स, नया स्टेम इंटर नोड से ग्रो करेंगे। इसका एक डिफरेंसेस है, स्टेम जो है कुछ देर तक ग्रो करेंगे अपवर्ड्स, ठीक है, एंड उसके बाद फिर कुछ नीचे की तरफ आएंगे। सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, स्टेम्स ग्रोज पैरेलल टू ग्राउंड एंड फ्रॉम द नोड्स और इंटर नोड्स From the nodes and internodes, new stem जो है new stem develops
थोड़ा सा न्यू स्टेम्स डेवलप एंड ग्रोज अपवर्ड द सॉइल। ये जो स्टेम है ये पैरेलल टू द ग्राउंड डेवलप करेंगे, इसकी ब्रांचेस होंगे जो भी है, लेकिन इसकी नोड से इंडर आई मीन अंडरग्राउंड नोड्स और इंटर नोड से नया स्टेम डेवलप करेंगे जो कि अपवर्ड दी सॉइल जाएगा। एक बार और बताता हूं, ये जो ब्रांचेस या जो नोड्स है ये डेवलप करेंगे, ये ग्रो करेंगे हॉराइजेंटली अंडर द सर्फेस, ग्रो सॉइल सर्फेस ग्रो करेंगे एंड देन कम्स आउट ऑफ द सॉइल ग्रोइंग ऑब्लिकली आउटवर्ड। हेलो, आपको आपको समझ में आ रहा है? ये साकार की कंडीशन में क्या होगा, साकार की कंडीशन में ये ग्रोथ तो करेंगे, ठीक है? आप नीचे की तरफ, अच्छा एक पिक्चर को देखते हैं। जैसे पिक्चर को अगर हम देखेंगे, दिस इज दी सॉइल, मान के चलो इसकी ये नोड्स जो है ये ग्रो कर रहे हैं, अंडरग्राउंड नोड ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? अंडरग्राउंड। अब इसका कुछ एक हिस्से से, ये पार्ट से ये नया प्लांट इस तरह से डेवलप करेगी, ये ब्रांच सपोज इस तरह भी चल रहा है, यहां से भी कुछ नए प्लांट इस तरह से डेवलप करेंगे, ठीक है? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज साकर। सो दिस इज द साकर वेयर न्यू ब्रांचेस विल ग्रोज फ्रॉम दिस वन, राइट? इस तरह से ये ओल्ड साकर इस तरह से ग्रो होते जाएंगे और नया साकर इसमें धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। नाउ ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस है, सेपरेट ब्रांचेस सेपरेट फ्रॉम पेरेंट पेरेंट सकर एंड डेवलप द न्यू सकर, डेवलप न्यू सकर। इस तरह से कंटिन्यूअसली सकर डेवलप करते जाते हैं। ना इसकी एग्जाम्पल क्या होगा, सकर का एग्जाम्पल है क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम है, रोज भी इसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन रोज से भी अच्छा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे मिंट। मिंट इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दी साकर, क्रिसेंथेमम मिंट। थर्डली आप रोज रख सकते हो, रोज भी कुछ एग्जाम्पल है, रोज का और भी उसमें भी दूसरे में भी एग्जाम्पल आते हैं, दूसरे में भी एग्जाम्पल आते हैं कि ये साकर में एग्जाम्पल आएंगे। द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज स्टोलॉन। स्टोलॉन की एग्जाम्पल देखें, स्टोलॉन क्या है, स्टोलॉन में ब्रांचेस जो है अराइजेस फ्रॉम द नोड्स एंड ग्रोज इन द हॉराइजेंटल डायरेक्शन, ठीक है? नाउ ये ऐसे लिखेंगे ब्रांचेस, ऑफ प्लांट अराइज फ्रॉम नोड्स। नोड्स ऑब्वियसली ये अंडरग्राउंड है,
नोड्स इज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड है ठीक है, एंड दिस नोड्स एंड ग्रोज इन हॉराइजेंटल डायरेक्शन, एंड ये किस तरह का है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो किया, एंड ग्रोज, ओके हॉराइजेंटल डायरेक्शन, ये किस तरह का ग्रो किया, ये वर्टिकल डायरेक्शंस में ग्रो किया ठीक है। सो नाउ इसकी जो सम ऑफ द एपिकल रीजन ऑफ द ब्रांचेस है, आप चीजों को समझ रहे हो, एक मैं पिक्चर भी ड्रॉ करके आपको दूंगा। ये स्टोलोन जो है ये एक टाइप का रनर ही है, ओके इट इज अ टाइप ऑफ रनर, रनर का ही पिक्चर याद करो, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम द स्टोलोन एंड द रनर, एक बार और, व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम स्टोलोन स्टोलोन एंड द रनर, स्टोलोन ग्रोज हॉराइजॉन्टली बिलो द सॉयल सरफेस, बिलो सॉयल सरफेस ग्रोज बिलो द सॉयल सरफेस, जबकि रनर ग्रोस अबव द सॉइल सरफेस, रनर जो है अबव द सॉइल सरफेस, स्टोलोन एक ही लाइन में कहते हैं इट्स अ टाइप ऑफ रनर, इसमें कोई अलग वाली चीज नहीं है, लेकिन दोनों में इस टाइप का ये भी है, सॉरी हॉराइजेंटली अंडर, स्टोलोन ग्रोज हॉराइजेंटली अंडर द सॉइल सरफेस, जबकि रनर ग्रोज हॉराइजेंटली अबव द सॉइल सरफेस, ये ही है दोनों में डिफरेंसेस, और इन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, अंडर द सॉइल सरफेस एंड ये सॉइल सरफेस एंड ये अबव द सॉयल सरफेस, अबव द सॉयल सरफेस, ये दोनों में खाली इतना ही डिफरेंसेस है स्टोलोन की। द लास्ट वाले बताएंगे, लास्ट कंडीशन में दिस इज व्हाट ऑफसेट,
ऑफसेट, ऑफसेट इज अ रनर बट इट इज अ टाइप ऑफ एक्वाटिक रनर, ठीक है, टाइप ऑफ ऑफसेट। अच्छा एक और चीज हम लोग बताना चाहते हैं कि जैसे इसकी एग्जाम्पल, अच्छा स्टोलोन का एग्जाम्पल, स्टोलोन का एग्जाम्पल आपकी होगा जैसे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इज अ स्टोलोन का एग्जाम्पल। इज अ स्टोलोन का एग्जाम्पल। और एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है जो अभी हमने पढ़ के आया, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया कद्दू, ठीक है, अंडर द सॉइल सरफेस ये ग्रो करते हैं, ठीक है, हमेशा अंडर द सॉइल सरफेस ग्रो करते हैं, जबकि रनर यानी कि ग्रास को देखो मैक्सिमम अबव द सॉइल सरफेस, मैक्सिमम अबव द सॉइल सरफेस। अब आते हैं ऑफसेट के बारे में, ऑफसेट इज अ एक्वाटिक रनर, एक ही वर्ड में इसको डिफाइन किया जाता है एक्वाटिक रनर, ठीक है, ऑफसेट इज अ एक्वाटिक रनर, यानी कि पानी में ये इसी तरह से ग्रो करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर हायसिंथ और एकॉर्निया, वाटर हायसिंथ और एकॉर्निया, ठीक है, वाटर हायसिंथ और एकॉर्निया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक रनर कॉल्ड एज ऑफसेट। सो वी एंड द